गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप यू आर हैप्पी। नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 50, क्लास 7। अपना नेक्स्ट टॉपिक है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रैशनल नंबर्स। एब्सोल्यूट जो वैल्यू होती है, इसका मान, इसको मतलब होता है निरपेक्ष मान। द एब्सोल्यूट वैल्यू होती क्या है? कहीं मतलब नेगेटिव रैशनल नंबर्स हो या पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स के बारे में अपन पिछली एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 4th में। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर वो फ्रैक्शन होते हैं और वो नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। 0 होता है वो भी रेशनल नंबर होते हैं, वो नंबर्स होते हैं वो भी रेशनल नंबर्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स, अपने को ध्यान रखना है कि चाहे वो नेगेटिव इंटीजर्स हो चाहे पॉजिटिव इंटीजर्स हो, उसको क्या बनाना है अपने को? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव जो वैल्यू होती है वही क्या होती है? रेशनल नंबर होती है। अब देखते हैं कि बात ये आती है कि 0 होता है, 0 नेगेटिव होता है क्या? कभी नहीं होता है, क्योंकि ये अपन ने पिछले साल 6th क्लास में पढ़ा था, रेशनल नंबर में, सॉरी इंटीजर से पढ़ा था कि 0 नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। तो यहाँ भी यही शर्त है कि 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, न तो नेगेटिव होता है न ही पॉजिटिव होता है। तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो भी क्या होती है? 0 ही होती है, इटसेल्फ ही होता है। अब बात आती है कि एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है उसका साइन कैसा होता है? तो स्ट्रेट लाइन होती है, और इसके बीच में कोई भी संख्या लिखी होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2/3। इसको जैसे ही हटाओगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगी बाहर निकलते ही। यही संख्या माइनस की 2/3 हो तो भी ये बाहर निकलते किसकी बन जाएगी? पॉजिटिव। तो कहने का मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है ये जैसे ही साइन से या सिंबल से बाहर निकलती है तो कैसे होती है? पॉजिटिव होती है। अब देखना है इसका सिंबल जो होता है, दो स्ट्रेट लाइन होती है, इसको कहते हैं मॉड्यूलस। क्या कहते हैं? मॉड्यूलस। अब इसके बाद में देखते हैं अपन इसकी एक्सरसाइज नेक्स्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा एक्सरसाइज का 50 का, राइट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ। अब ये जितनी भी संख्या है इसको क्या बनाना है अपने को? पॉजिटिव। तो एब्सोल्यूट वैल्यू का जो साइन होता है वो क्या होता है? द स्ट्रेट लाइन। अब आपको मैंने बताया था कि जैसे ही बाहर निकलेगा चाहे नेगेटिव हो तो भी पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव है तो भी पॉजिटिव होगा। तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव है तो बाहर निकलते इसका आंसर ये का यही रह जाएगा। सेकेंड देखो, -2/3, ये बाहर निकलते किसका हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो 2/3 इसका क्या हुआ आंसर? अब देखो -5/9, एब्सोल्यूट वैल्यू जो साइन है इसे बाहर निकलते किसका हो जाएगा? प्लस का, पॉजिटिव बन जाएगा। तो 5/9 आंसर। 0 का अभी मैंने बताया था, 0 का 0 ही होता है, और माइनस का 5/-11। वैसे तो देखा जाए तो माइनस माइनस यहां भी कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कट गया तो माइनस माइनस प्लस, और जैसे ही ये बाहर निकलेगा किसका हो जाएगा? प्लस का। तो ये क्या हुआ फर्स्ट क्वेश्चन आपका? वेरी इजी। आपको एक ही बात ध्यान देना है कि यदि पॉजिटिव है तो ऑलरेडी आ जाएगी वो संख्या, यदि नेगेटिव है तो वो भी क्या बन जाएगी? पॉजिटिव बन जाएगी। सेकंड क्वेश्चन है बेटा, वेरीफाई दैट एब्सोल्यूट वैल्यू एक्स इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस एक्स व्हेन द वैल्यूज ऑफ एक्स। ये जो वैल्यू दे रखी है किसकी दे रखी है? एक्स की दे रखी है, और अपने को वेरीफाई करना ही है। तो सॉल्यूशन, एक्स इज इक्वल टू कितना रखना है? -2/7। बट क्वेश्चन क्या था अपना? अपना क्वेश्चन ये है कि ये LHS हो गया, ये RHS। LHS में देखो, व्हेन एब्सोल्यूट वैल्यू एक्स रिप्लेसिंग एक्स इज इक्वल टू -2/7। आपको इस एक्स की वैल्यू क्या रखना है? -2/7। तो देखो एक्स इज इक्वल टू माइनस का 2/7। अब आपको पता होना चाहिए जैसे ही माइनस का 2/7 है ये बाहर निकलती किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो 2/7। अब ऐसे देखते हैं LHS में, सॉरी RHS में, माइनस एक्स इज इक्वल टू। अब ध्यान देना बेटा, ये जो माइनस का साइन है ये तो किसके साथ में है? ये माइनस का साइन है ये तो एक्स के साथ में है, और एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है? माइनस का 2/7। तो ये साइन तो माइनस का इसके साथ आ गया। दूसरा साइन -2/7, तो माइनस का 2/7। अब आपको पता होना चाहिए बेटा कि दो साइन एक साथ नहीं रहते हैं, तो क्या हुआ? माइनस माइनस प्लस का 2/7। अब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी क्या हो गई? 2/7। अब ये कह रहा है कि ये और ये क्या है? इक्वल है। 2/7 इक्वल 2/7, इसीलिए क्या हो जाएगा?
एक्स की एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल होगी माइनस के एक्स के वेरीफाइड। आ रहा समझ में? अब देखो सेकंड क्वेश्चन इसी का, -7/9 सॉल्यूशन। व्हेन एक्स की वैल्यू क्या रखना है, रिप्लेसिंग एक्स की वैल्यू क्या रखना है, माइनस का 7/9, तो एक्स इज इक्वल टू -7/9। एक्स की एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस का 7/9, जैसे इसे बाहर निकलेगा क्या हो जाएगा, 7/9। अब इसी में माइनस का देखो, माइनस एक्स की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का एक्स के साथ था तो माइनस, दूसरे किसके साथ है माइनस का साइन, 7/9 के साथ में, दो ब्रैकेट एक साथ, सॉरी दो साइन एक साथ नहीं रहते हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस है, तो 7/9 है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगी 7/9, ये भी इक्वल है और ये भी इक्वल है, तो आपको क्या करना है, 7/9 इक्वल है 7/9 के, इसीलिए क्या हो जाएगा, एक्स की एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल हो जाएगा माइनस एक्स की एब्सोल्यूट वैल्यू, दोनों क्या है इक्वल वेरीफाइड। थर्ड क्वेश्चन है, वेरीफाई दैट एब्सोल्यूट वैल्यू एक्स प्लस वाई इज स्मॉलर देन एब्सोल्यूट वैल्यू एक्स प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू वाई। अब देखना अपने को, फर्स्ट सॉल्यूशन एक्स प्लस वाई की एब्सोल्यूट वैल्यू, रिप्लेसिंग एक्स इज इक्वल टू 5.2 एंड वाई इज इक्वल टू -1/2। अब देखते हैं इसमें एक्स की वैल्यू क्या रखोगे बेटा, 5.2 प्लस वाई की वैल्यू क्या रखना है, माइनस का 1/2। ओके अब देखना अपने को, 5/2 प्लस माइनस माइनस 1/2, दोनों का बेस सेम है तो 5 माइनस का 1/2 क्या हुआ, 4/2। अब 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी हो गई 2। अब देखते जाओ आगे, ये तो था आपका LHS, RHS देखो, एब्सोल्यूट वैल्यू एक्स प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू वाई, एक्स की क्या लिखना है, रिप्लेसिंग 5.2 प्लस वाई की वैल्यू क्या लिखना है अपने को, माइनस का 1/2, इसके एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हुआ 5.2 प्लस इसके एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस का है, बाहर आते किसका हो जाएगा प्लस का 1/2। अब देखना अपने को कि इसका बेस सेम है तो 5 प्लस 1/2 कितना हुआ, 6/2 इज इक्वल टू 3। अब अपने को ये देखना है कि ये और ये इक्वल थोड़ी है, नहीं है तो ध्यान रखना है अपने को कि 2 स्मॉलर देन 3, यानी पहले वाली संख्या छोटी है बाद वाली बड़ी है, तो ये वापस लिखना है, इसीलिए एक्स प्लस वाई स्मॉलर देन एब्सोल्यूट वैल्यू एक्स प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू वाई आंसर। सेकंड क्वेश्चन है, एक्स की वैल्यू -8/7 एंड वाई की वैल्यू -3/5, तो LHS में देखना अपने को एक्स प्लस वाई की एब्सोल्यूट वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू तो क्या है, रिप्लेसिंग एक्स प्लस वाई, तो एक्स की वैल्यू तो क्या रखनी है अपने को, रिप्लेसिंग एक्स इज इक्वल टू -8/7 एंड वाई इज इक्वल टू -3/5। अब देखना अपने को एक्स की वैल्यू रखना है यहाँ, -8/7 प्लस -3/5। अब देखो आप, -8/7 प्लस माइनस माइनस का 3/5
फाइव इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। अब इसमें देखो आप लोग, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 7 5 35, तो 35 एलसीएम होगा, तो माइनस का 8 × 7 5 = 35 −3 × 5 = 7। अब देखना है अपने को, माइनस का 40 और माइनस का 7 3 = 21 अपॉन 35, इसका ऐड करो, ऐड करो तो क्या हो जाएगा, 61 −61 अपॉन 35 इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। जैसे ही इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू बाहर आ जाएगी तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का 61 अपॉन 35। अभी तो देखो, एक्स प्लस वाई की एब्सोल्यूट वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस का 8 अपॉन 7 प्लस वाई की वैल्यू क्या है, माइनस का 3 अपॉन 5। ये जैसे ही बाहर निकलेगा एब्सोल्यूट वैल्यू के साइन से, तो किसका हो जाएगा, प्लस का 8 अपॉन 7 प्लस 3 अपॉन 5, वो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 35। 8 × 7 5 = 35 प्लस 3 × 5 = 35, 8 5 = 40 प्लस 7 3 = 21 अपॉन 35, इसका एलसीएम कितना, 35, 61 अपॉन 35। अब इनकी क्या करना है, एब्सोल्यूट वैल्यू तो यहाँ निकाली थी आपने बाहर, यहाँ से तो इसका 61 35। तो अब देखो, LHS और RHS, 61 अपॉन 35 इज इक्वल टू है 61 अपॉन 35, इसीलिए क्या होगा, x प्लस वाई की एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल होगी x की एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस y की एब्सोल्यूट वैल्यू। आंसर फोर्थ क्वेश्चन है, वेरीफाई दैट x इनटू y की एब्सोल्यूट वैल्यू स्मॉलर देन या इक्वल x की एब्सोल्यूट वैल्यू इनटू y की एब्सोल्यूट वैल्यू। तो पहले LHS देखते हैं अपन कि x इनटू y की एब्सोल्यूट वैल्यू, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 2 अपॉन 11 इनटू y की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन 3। अब इसका सॉल्यूशन करो, ये किसी से कैंसिल नहीं होता है, तो माइनस का 2 अपॉन 11 3 = 33 इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 अपॉन 33। RHS x की एब्सोल्यूट वैल्यू इनटू y की एब्सोल्यूट वैल्यू, x की क्या हो जाएगी बेटा, माइनस 2 अपॉन 11 इंटू 1 अपॉन 3। ये जैसे ही बाहर आएगा साइन से तो किसका हो जाएगा, प्लस का 2 अपॉन 11 इंटू 1 अपॉन 3, 2 1 2, 11 3 = 33। तो ये दोनों क्या है बेटा, इक्वल है, तो यहाँ लिखना है 2 अपॉन 33 इक्वल 2 अपॉन 33, इसीलिए एक्स इंटू वाई इक्वल है एक्स की एब्सोल्यूट वैल्यू इंटू वाई की एब्सोल्यूट वैल्यू। एल एच एस एक्स इंटू वाई की एब्सोल्यूट वैल्यू, एक्स की वैल्यू रिप्लेसिंग एक्स इज इक्वल टू −7 अपॉन 9 एंड वाई इज इक्वल टू −1 अपॉन 5, तो एक्स की वैल्यू कितनी है, −7 अपॉन 9 इंटू −1 अपॉन 5, माइनस माइनस प्लस 7 अपॉन 45, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 7 अपॉन 45। इधर देखते हैं एक्स की वैल्यू क्या है, वही −7 अपॉन 9 इंटू वाई की वैल्यू क्या है, −1 अपॉन 5, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, 7 अपॉन 9 इंटू 1 अपॉन 5, 7 अपॉन 45। तो क्या हुआ, 7 अपॉन 45 इज इक्वल टू 7 अपॉन 45, इसीलिए एक्स अपॉन एक्स इंटू वाई की एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल है एक्स इंटू वाई की एब्सोल्यूट वैल्यू के आंसर।